नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. आई होप आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है अपने घरों में. सो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और जैसे कि आप देख सकते हैं, नहा लिया मैंने, रेडी हो चुकी हूँ मैं और बस अब थोड़ी देर में रेंज जाऊँगी. सो अभी बस निकलते और मिलते रेंज पे. सो गाइस, मैं रेंज पहुँच चुकी हूँ और बस अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे. फिलहाल अभी इतने बच्चे भी नहीं आ रहे लॉकडाउन के कारण से. सो पहले जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी तो नहीं है. एंड ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग दोज डेज. बहुत ही मस्ती करी है, बहुत जम के प्रैक्टिस करी है. मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करी है. सो वो टाइम भी बहुत याद आता है. बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है, ये भी फटाफट निकल जाएगा. फिलहाल ज़्यादा बच्चे नहीं आते, 2-3 बच्चे हैं, बट प्रैक्टिस जारी है. सो अभी फटाफट लंच करती हूँ और अभी बच्चे आने वाले होंगे, फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेक टाइम ओवर और अब प्रैक्टिस टाइम शुरू. सो फटाफट चलते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं. वैसे भी अभी आजकल प्रैक्टिस बहुत ही ख़राब चल रही है क्योंकि कोई प्रैक्टिस में नहीं थे हम इतने टाइम से. लगभग 2 महीना हो चुका है, प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है. कोई बात नहीं, चीज़ों को समय लगता है बट ठीक हो जाती है. सो हार नहीं मानना है, बस गिव अप नहीं करना और प्रैक्टिस करते रहना है. सो बस अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं. तो ये अभी हमारी एक स्टूडेंट है जो कि अभी प्रैक्टिस जिनकी चल रही है. गर्मी की हाल आप देख ही सकते हो गाइस, कितने पसीने में लतपत प्रैक्टिस हो रही है. हेलो हेलो कर दो मेरे व्यूअर्स को और कह दो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल. हाँ, सब्सक्राइब आल्सो. सो बिल्कुल इन्होंने भी हार नहीं मानी और प्रैक्टिस चल रही है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, जितने भी थकान हो. तो अब हम भी प्रैक्टिस शुरू करते हैं. सो गाइस, प्रैक्टिस हो गई है, पैकअप भी हो गया है. यहाँ पे पिस्टल वगैरह सब पैक कर दिया है और स्टूडेंट तो अभी चली गई है, मैं अकेली हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है. एक्चुअली कूलर्स रखे हुए यहाँ आप देख सकते हैं, कूलर्स हैं और ये लॉकडाउन से पहले से ही रखे हुए, लगवाने हैं. बट भाई, इंडिया है, टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ के लिए. तो जब ये कूलर आए तब लॉकडाउन लग गया, फिर अभी 3-4 दिन हुए आते हुए. तो अब वो भैया बिजी हैं जिनको लगाना है. सो बस अब गर्मी में दिन कट रहे हैं. अब होपफुली जल्दी लग जाए कूलर, तो ऐसा हाल नहीं होगा हमारा. बस अब थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और धूप बिल्कुल तेज़. तो अभी रेंज के अंदर तक धूप आ रही है, तो अभी हम अंदर के साइड ही बैठेंगे जहाँ पर हमारा शूटिंग एरिया है, क्योंकि कैबिन तक तो पूरी धूप है. सो बस बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर घर चलते हैं.
और प्रैक्टिस तो होपफुली अभी बहुत अच्छी तो नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, ठीक ठीक चल रही है। सो मैं दिखाऊंगी आपको शूटिंग के बारे में भी और भी बहुत सी बातें जो आपसे शेयर करनी है, बस निष्ठा आ नहीं पा रही है जिस वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे, और मैं अकेले यहाँ पे शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपको सब चीज़ें भी बताऊँ और मैं शूट भी करूँ। सो जिस दिन निष्ठा आएगी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी और अपने शूटिंग वाले चैनल पर डालूँगी, सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट। और फिलहाल अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइज अब टाइम हो गया है घर जाने का, सो बस पैक करते सब और अब मिलती हूँ मैं आपसे घर पे। तो गाइज अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में निष्ठा की ड्राइंग देखने। दो तीन दिन से मैं ड्राइंग नहीं दिखा पाई हूँ आपको निष्ठा की, सो निष्ठा तो है नहीं अभी रूम में, मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या बनाए हैं इसने। हेलो निष्ठा भी आ गई तो हेल्प कर दे दिखाने में। तो ये बनाया आज निष्ठा ने, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है ड्राइंग। ये इसने बनाई है ये ऑयल पेस्टल से, इससे बनाई है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे और जेरी तो अभी सो रहा है, मैं दिखाती हूँ वो उसको जो आदत है ना वो पलंग के नीचे घुस के सोने की, वो वहीं है जब से मैं आई हूँ, मेरे को दिखाई नहीं है वो। चलो दोबारा जाके देखते, दिख गया तो अभी मिलवाती हूँ आप सबसे उसको। तो गाइस जेरी तो उठा हुआ है अभी और खेल रहा है नीशू के साथ, ये देखो कितने मस्ती में आया हुआ, अभी जस्ट उठा ही है ये देखो। अरे हेलो हेलो सिखाया है ना इसको, कराइयो हेलो करा, अभी रिसेंटली हेलो सिखाए हैं, हमेशा हेलो के लिए पहले काटता है देखो, हेलो करने बोलते काटने लग जाता है। हेलो हेलो हेलो, इसके पैरों में टेप लगी हुई है, कच 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 कर रहा है। कर दे हेलो कर दे हेलो, ये बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जब बोलते ना मम्मी पापा बेटा पोयम सुनाओ तब नहीं सुनाता और पूरे दिन सुनते सुनाते रहता है। बस मेहमानों के सामने है पोयम नहीं सुनाते, बाकी सब जगह सुनाते हैं। वैसे ही ये भी जब भी कैमरा ऑन करती हूँ ना चुपचाप जाके या तो सो जाएगा या तो उल्टी सीधी हरकत करते है, देखो सुसु कर दी ये देखो ये मस्ती मस्ती हाँ अच्छी। इधर तो देख ले वो देखो हेलो हेलो करता तो है पहले, बस पर काटता है पहले हेलो करता। लोनी हाँ ये अमेज़न से पार्सल आ गया, लाओ दिखाओ क्या मंगवाया अब। ये वो टूल्स मंगाए थे ना ये वो आ गए, अरे डॉटिंग टूल्स आ गए। हाँ आज निशु अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फाइनली गाइस जिसका हमें इंतज़ार था हमारे डॉटिंग टूल्स गुम गए थे तो हमने दोबारा ऑर्डर करा था और अब आ चुके हैं। एक मिनट अभी निष्ठा यहाँ से फ्री होती है फिर दोनों साथ में मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। चल खोल ले पहले जैसे वाले आए हैं ना और वो वुड वाले भी आए हैं क्या? एक ही है तो, हमने तो पूरा सेट मंगाया था। हाँ एक ही मंगाए थे क्या? नहीं वो वाले भी थे सर्कल्स वाले, वुड वाले जो थे। हाँ वुडन वाले भी थे, वो दूसरे में आ रहे हैं क्या? नहीं ये है। ये वो वाला नहीं है ना ऑर्डर, हमने तो बहुत सारे मंगाए थे उसमें वुडन वाले थे प्लास्टिक वाले थे तो ये तो अभी सिर्फ प्लास्टिक वाला आया है। वहाँ ईमेल कर दो फिर गलत ऑर्डर आ गया। सो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा हमने ऑर्डर एक्चुअली कोई और करे थे बट आ कोई और गए हैं, ये भी थे उसमें मतलब इसके साथ भी और भी थे, मतलब पूरा एक सेट मंगाया था हमने कॉम्बो पैक मंगाया था जिसमें वुडन और ये सारे थे बट अभी मिले हमें सिर्फ यही है तो अभी हम उन्हें ईमेल करेंगे और देखते हैं फिर कब तक दोबारा वापस आते हैं सही पार्सल।
तो अभी डॉट पेंटिंग के लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे अभी आपने देखा कि पार्सल कुछ और मंगवाया था बट आ कुछ और गया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली हमने ऑर्डर क्या किया था। हमने किया था वो ये था, इसमें पूरे सेट थे ये, जबकि हमें ये सिर्फ ये वाले मिले अभी, ये वाले इसमें से कुछ नहीं आए हैं। तो ये पूरे इंक्लूडेड एक हमने प्रॉपर सेट मंगवाया था डॉटिंग टूल का, जिसमें से अभी हमें सिर्फ ये वाले मिले। सो अभी हम इसे रिटर्न करेंगे और अपना कंप्लेंट प्लेस करेंगे और देखते हैं कब आते हैं सही ऑर्डर वापस। सो गाइज अब इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ गाइज। आप ही के सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है और यही हमारी एक मोटिवेशन है आगे काम करते रहने की, मेहनत करते रहने की। सो प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 9 बजे, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।